हेलो गाइस, अगर आप भी कोई चार्जर देख रहे हो मार्केट में, क्योंकि आजकल कंपनी ने क्या कर दिया है, चार्जर देने बंद कर दिए हैं इको के नाम पे, एनवायरनमेंट के नाम पे। एक्चुअली उनका कहना क्या है कि हम लोग पेपर सेव कर रहे हैं, जिससे कि पेड़ सेव हो रहे हैं और एनवायरनमेंट सेव हो रहा है। बट कहाँ पेपर सेव कर रहे भाई? जैसे हम कोई चार्जर खरीदेंगे बाहर से, वो तो बगैर बॉक्स के ही आएगा, ऐसा तो है नहीं बगैर बॉक्स के चार्जर मिल रहा हमें। तो ये सब कंपनी की कॉस्ट कटिंग का एक फंडा है। तो पहले स्टार्ट किया था एप्पल ने, अब सैमसंग भी, हर कोई कंपनी ऐसे ही कर रही है। तो फोन से चार्जर मिल नहीं रहा, हमें चार्जर एक्स्ट्रा खरीदना पड़ रहा है। अगर आप मार्केट में कोई बेस्ट चार्जर देख रहे हो जो आपको फोन को सपोर्ट करे और सभी फोन को लगभग सपोर्ट करे, तो उसके लिए ही ये चार्जर हम लेके आए हैं। ये ओरिमो की तरफ से फास्ट चार्जर है। ये हर तरह की चार्जिंग सपोर्ट करता है। इसमें आप क्वालकम चार्जिंग बोल लो, या फिर इसको वूप चार्जर बोल लो, या व्रैप चार्जर बोल लो, कैसा ही फोन हो, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, सभी फोनों को ये चार्ज करेगा। तो अभी इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अनबॉक्सिंग से पहले मैं आपको बता दूं इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। ये 22.5 वॉट का है और इसका यूएसबी टाइप सी भी है, यूएसबी टाइप ए भी है। और इसमें आपको मिल जाता है एलईडी इंडिकेटर मिल जाता है, और बाकी हम चेक करते हैं इसके अंदर है क्या। इसका मैं आपको जो करंट प्राइस है वो बताऊंगा लास्ट में कि कितने में खरीदा मैंने ये। बट अभी जो इसका एमआरपी आपको दिख रहा होगा, इसका एमआरपी कितना है? इसका एमआरपी है 1699 रुपये, यानी तकरीबन 1700 रुपये के आसपास ये चार्जर मार्केट में मिल रहा है। ये ओरिमो कंपनी की तरफ से चार्जर है। उस चार्जर का जो मॉडल नंबर है वो पावर क्यूब 2 प्रो है। ये आपको देखना चाहिए, इसका मॉडल है। ये बेस्ट चार्जर है आज के टाइम में मार्केट के अंदर, अगर आपको कोई भी चार्जर परचेज करना है तो। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। हमें इसका बेस्ट चीज़ क्या है, हमें केबल मिल जाती है, और ये केबल भी 5 एम्पियर तक करंट सपोर्ट करती है। आपको पता नहीं होगा ये एम्पियर कैसे काम करता है। जितने फास्ट चार्जर हैं उनके साथ हाई एम्पियर वाली केबल आएगी, तभी वो चार्जर सपोर्ट कर पाएगा। और साथ में मिलता है हमें कि ये चार्जर जो कि सॉलिड बिल्ट है, काफ़ी अच्छा बिल्ट है, और इस पे साफ साफ लिखा है 22.5 वोल्ट चार्जिंग। इसमें आउटपुट दे रखा है 1.5 वोल्ट 3 एम्पियर, 1.5 वोल्ट 4.5 एम्पियर, और ये आपका 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर। इसमें सभी चार्जिंग जो मॉड्यूल हैं वो दिए गए हैं कि आपके चार्जर कौन कौन से सपोर्ट करेगा। सैमसंग, वीवो, एप्पल, हर तरह के फ़ोन को ये चार्जर सपोर्ट कर रहा है। तो इसका रिव्यू जो है वो हम बाद में देंगे, अभी इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो है। अगर आपको ये बाय करना है, इसका लिंक आपको मैं दिखा देता हूँ लैपटॉप में कि आप इसको कहाँ से बाय कर सकते हो। ये अमेजोन से है, ये ओरिमो का है, ये भी 18 वोट का। अगर आप इसमें नीचे जाओगे तो इसमें आपको मिल जाएगा 22 वोट वाला भी, इधर ये 25 वोल्ट वाला भी है। हर तरह के चार्जर आपको, जितने भी आपको कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप चार्जर ले सकते हो, कि यूज के अकॉर्डिंग जैसा आपका यूज रहेगा। बट ये जो कंपनी है ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। ये कोई पेड या वीडियो नहीं है, अभी कोई ऐसी वीडियो नहीं है जो मैं इसका कंपनी प्रमोशन कर रहा हूँ। मैंने ये चार्जर पहले भी यूज किया है और इसलिए दोबारा इसको परचेज किया अभी। तो ये चार्जर आपको बाय करना चाहिए। और ये इसकी मेन खास चीज़ ये भी है कि ये आपको 1 साल की वारंटी दे रहा है। सबसे हाईलाइट पॉइंट इसके अंदर क्या है कि आपको 1 साल की वारंटी दे रही है। आजकल जो भी चार्जर आ रहे हैं अपने फ़ोन के साथ वो भी इतनी वारंटी नहीं देते चार्जर की, 6 मंथ की वारंटी होती है ज़्यादातर। अब तो आना ही बंद हो गए हैं, बट ये आपको 1 साल की वारंटी दे रहा है। कोई भी इसमें इशू आता है तो आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है गाइस, आज की वीडियो में इतना। हमने परचेज किया था ओरिमो वाला, ये मेनली हमें जो हमारा एक नया फ़ोन ऑर्डर किया है सैमसंग गलेक्सी A52 5G, इस फ़ोन के लिए इसको परचेज किया था। बट ये अभी बहुत काम का चार्जर है, हर एक चीज़ को चार्ज कर रहा है, क्यों चाहे कोई भी फ़ोन हो। तो इसका आपको मैं दिखाता हूँ चार्जिंग ये कैसे कर रहा है। इस पर मैंने कनेक्ट कर दिया, ये देख सकते हो ये चार्जर कनेक्ट है। अब मैं बटन दबा रहा हूँ, फ़ोन स्विच ऑफ है अभी और ये चार्ज होना स्टार्ट हो गया है। आपको दिख रहा होगा ये 22.5 वोल्ट का चार्जर है जो कि इस फ़ोन को बहुत बेहतरीन तरीके से चार्ज भी कर रहा है। तो आई थिंक ये बेस्ट चार्जर आपको ख़रीदना चाहिए जब आपके पास
कोई भी फ़ोन हो, किसी भी टाइप का फ़ोन हो, हर फ़ोन को चार्ज करने के लिए सही है। तो अभी हम इसको ना चेक कर रहे थे कि वन प्लस को सपोर्ट करेगा नहीं करेगा। ये ओरिमो चार्जर है जो हमने अभी परचेज़ किया था, और इसकी अभी टेस्टिंग करते हैं कि ये वन प्लस को चार्ज कर पाएगा नहीं कर पाएगा। ये हमने इसको प्लग इन कर दिया है, यहाँ पे इसकी लाइट जल गई है। हमेशा जब भी आप चार्जर यूज़ करें, फ़ोन की सेफ्टी के लिए चार्जर को पहले ऑफ़ कर लें। हमने यहाँ से इसको ऑफ़ कर दिया है, और लाइट भी थोड़ी देर में बंद हो जाएगी, उसके बाद ही चार्जर को फ़ोन के अंदर प्लग इन करें। ये इसके बाद हमेशा सॉकेट को ऑन करें। ये सेफ मोड ऑफ चार्जिंग है, देखिए आप ये चार्जिंग हो रहा है, रैप चार्ज लिखा गया है, आप समझ रहे हो, ये इस फ़ोन को सपोर्ट कर रहा है। ये वन प्लस का फ़ोन है और ये इस फ़ोन को भी सपोर्ट कर रहा है। जिस फ़ोन से मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये सैमसंग का फ़ोन है, सैमसंग गैलेक्सी S21 FE फैन एडिशन, ये इसको भी अच्छे चार्ज कर रहा है। तो आपने देख ही लिया होगा कि दोनों फ़ोनों को अच्छे से चार्ज कर दे रहा है। ये कोई भी फ़ोन हो, ये चार्जर ऐसा है हर एक फ़ोन को चार्ज कर देगा। तो अब तक का मार्केट में बेस्ट चार्जर है, इससे ऊपर कोई चार्जर नहीं है। आप चेक कर सकते हो दोबारा से, मैं इसको बंद कर रहा हूँ, चार्जिंग हट गई है, दोबारा चार्जिंग ऑन कर रहा हूँ। यहाँ पे जूम कीजिए, रैप चार्ज लिखा आ रहा है। तो ओके गाइज़,